अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है और सुनाएं, सब ठीक है? तो जी जनाब, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको विज़िट करवाऊंगी जहां से मैंने काम सीखा था, और आप लोगों ने भी मुझसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैंने जो कुछ भी सीखा है ना, सब कुछ इनसे ही सीखा है। ये देख लें, अयान भी कह रहा है हेलो बोलो, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अयान की तरफ से, अयान की तरफ से सबको। तो जी फायका मोइन, मैं आपसे कलर करवाऊंगी लेकिन जब लाहौर में आऊंगी, ठीक है? हो सकता है उससे पहले मैं कलर करवा लूं, अगर नहीं करवाया तो ज़रूर आपसे करवाऊंगी। और ये देखें, अभी मैं अयान को बिठा लूं। आपने मेरे घर का सलोन भी देखा है और जहाँ से मैंने काम सीखा है वो भी आप देखें। ये देखें, मैंने घर में आपको सिखाया था ना ये डर्माफोस का, तो ये बहुत ज़बरदस्त है फेशियल, और इसका मैंने स्किन पॉलिश भी दिया हुआ। आप जाके जल्दी जल्दी से मेरे पहले की वीडियो देखें, और उसमें मैंने ये सारे का सारा रिव्यू दिया हुआ है, और उसके अलावा इसका भी मैंने आपको बताया है लेकिन करके नहीं दिखाया। और ये देखें, यहाँ पे बालों को वॉश करते हैं, और अभी मैं यहाँ का वॉश कर दूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलना। और यहाँ से अंदर आते हैं और मैं आपको सारा विज़िट करवाती हूँ। और ये देखो, इसके बालों की कर्लिंग वाली मशीन है, इसके अलावा इधर भी सारी चीज़ें हैं, वो भी चीज़ें इधर हैं। और कल की वीडियो मैं नहीं बना सकी, परसों की नहीं बनाई क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इसके अलावा मेरी आज सोनिया से भी बात हुई है। और तो जी गाइस, ये देखें पापी का कितना प्यारा ये बनाया हुआ सारा है ना, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हुई हैं। और ये देखें ब्रश कितने प्यारे हैं, ये देखें पापी का कितना प्यारा मेकअप है, ये सारी ऊपर अलमारी भरी पड़ी है। और मैंने जो कुछ भी सीखा है ना, आपने इंडियन मेकअप बहुत पसंद किया था और वो सारा मैंने आप ही से सीखा है। तो ये देखें, इन्होंने लगाई हुई कि जो कोई भी आए बोर ना हो, बल्कि उसका दिल लगा रहे, ठीक है ना। और ये इन्होंने बनाया हुआ है एक काउंटर की तरह। और ये देखें, इनका मैंने आपको पहले बताया ना, जब हम वहाँ पे गए थे उस शॉप में, है ना। तो जी ये मैंने आपसे पहले भी शेयर की है, ये होती है मैनीक्योर और पेडीक्योर की, और इससे बड़ी भी थोड़ी सी होती है, वो होती है ब्लो ड्राई की। और मैं आपको इसकी सेटिंग करनी भी सिखाऊंगी, लेकिन मैंने आपसे पहले भी जल्दी जल्दी में इसे दिखाई थी, और इसकी मुकम्मल जो सेटिंग है ना, जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगी इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मैनीक्योर की, पेडीक्योर की और ब्लो ड्राई की, और बालों के ब्रश वगैरह किस तरह से इसमें लगाते हैं, ये मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि घर में जो मैंने सलोन बनाया था ना, वो सिर्फ एक आर्जी तौर पे बनाया था कि मेरा दिल लगा रहे, और बनाना तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं इस तरह का ही बनाऊं, कि हालांकि जगह की भी कोई कमी नहीं, घर भी हमारा बड़ा है, बनाऊंगी कभी इसी तरह से सारी सीलिंग वगैरह करवा के। तो अभी हमारा पता नहीं ना चलता, हमने इधर रहना है, कराची रहना, कहाँ रहना है, अभी इस चीज़ का नहीं हमें पता, कि इसलिए फिर पार्लर पे भी पैसे नहीं इतने लगा रहे, बस गुजारे का बनाया था। तो उसमें ही आपने देखा था कि कितना मैंने काम आपको सिखाया है। और अच्छा, ये तो होगी ड्रायर मशीन, ठीक है, ये छोटी वाली है, इसका मैंने आपको बताया था, ये भी मेरे पास पड़ी हुई। और अगर आपने कभी मशीन लेनी हो ना, ड्रायर मशीन लेनी हो, तो एनजी की लेना, एनजी की जो मशीन होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। क्या हुआ? तो जी वीवर, ये देखें, ये घर के लिए बर्तन लेके आई मम्मी, क्योंकि पापा की तबीयत नहीं ठीक थी, तो काफ़ी मेहमान आ जा रहे थे, फो वगैरह सब आए थे, तो ये बर्तन मम्मी लेके आई हैं। ये देखें, ये डिज़ाइन कैसा लगा आपको, अच्छा है ना। और ये देखें, ये मुझे तो बहुत अच्छे लगे,
जो मेरे लिए उन्होंने लिए वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वो भी मैंने आपको दिखाए थे, और ये वाले भी अम्मी लेके आई थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन कितना प्यारा है। इसको हम ऐसे रख लेते हैं। इसके अलावा जी ये देखिए डिज़ाइन तो सेम वैसा ही, लेकिन इसके नीचे मछली की तरह डिज़ाइन बना हुआ था यहाँ पे इस जगह पे। एक सेकेंड, कैमरा नहीं सही पकड़ा जा रहा। ये देखिए इस जगह पे इसके डिज़ाइन बना हुआ था और इसके डिज़ाइन नहीं है। और ये सारे जो है ना, ये सारे अम्मी की पसंद के हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह जितने भी ना हमारी अम्मी की पसंद के होते हैं। ये देखिए प्यारे लग रहा है ना डिज़ाइन। और जो मैंने आपसे पहले कप दिखाए थे ना, तो वो कप जो है ना वो मेरे मामू ने दिए थे, जितने भी, क्योंकि मेरे मामू ये बर्तनों का काम करते हैं ना फैसलाबाद में, तो सोनिया ने शायद आपको मिलवाया भी हो उनसे। और एक ये वाला है, ये देखिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ ये वाले बर्तन भी। और घर में आम रूटीन में तो ऐसे ही चलते हैं ना, है ना व्यूअर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और ये घर में यानी कि आम रूटीन में चलने वाले ग्लास हैं, ना इतने महंगे हैं और ना ही इतने सस्ते हैं, लेकिन ये पड़े हुए डिज़ाइन इनका बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि मैं तो इतना किचन में आती जाती नहीं हूँ, जब मेहमान आ जाए, मेरे बच्चे छोटे, मुझे काम नहीं करने देते, तो मैंने जब अपना कोई ब्लॉग वगैरह बनाना हो तो जब तभी किचन में जाती हूँ, तो अदरवाइज ज़्यादातर भाभी काम करती है। भाभी हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम जो है ना भाभी करती है, मैं हम दोनों बहनें नहीं करती। ये देखिए, और जग तो हमारे पास पहले भी तीन पड़े हुए थे, लेकिन मम्मी कह रही है ये इनके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए एक ये भी लेके आई हूँ। और एक मेरे लिए भी लिया था, इसके साथ था वो, जब मैं अपने घर में थी तब मैंने दिखाया था कि ये मम्मी ने मुझे दिया है। आए हाय क्या हो गया। चलो तो ये थे कुछ बर्तन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अभी किचन में ये चले जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। और ये देखिए ये वाला जग, ये वाला, और पंजाब में आपको पता है इसी तरह के जग होते हैं, और ये बिल्कुल सेम जो है ना इनसे मैच करके लिया है। ये वाले जो ग्लास है ना, इनसे मैच करके मिलता जुलता ही लिया है। तो मेरा तो आपने देखा ही था ना, बिल्कुल सादा था, ऐसे बिल्कुल पट्टी बिल्कुल प्लेन थी, और इसमें ये देखिए डिज़ाइन है, और ये नया डिज़ाइन उन्होंने निकाला है, और बहुत बहुत प्यारा है। ये देखिए ये भी इसका कैप भी जो है ना, इसका ढक्कना काफ़ी टाइट है, और बहुत अच्छा जो है ना इसकी फिटिंग बहुत प्यारी है, प्लास्टर बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो जी व्यूअर, ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटा सा मेरा व्लॉग, और आपको बाजी का पार्लर कैसा लगा और बाजी का काम कैसा लगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कटिंग करवा के, और इसके अलावा आप लोगों ने अच्छे अच्छे से कमेंट करने हैं,
और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से यहाँ तक आई हूँ और आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आप लोगों ने जितना मेरा साथ दिया मेरे लिए बहुत है, बहुत है। ये आपकी बहुत बड़ा पान है कि आप मेरी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबको थैंक यू। और आज के लिए इतना ही, ये मेरा व्लॉग छोटा सा था। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ताह हाफिज़, बाय बाय।